फाइनली सैमसंग की ओर से वन यूआई 6.0 एंड्रॉइड 14 का स्टेबल अपडेट है वो यहाँ पर रोल आउट कर दिया गया है सैमसंग की S23 सीरीज के लिए। कुछ ही देर पहले मैंने आपके साथ में वीडियो है वो शेयर करी थी और फाइनली अभी यहाँ पर अपडेट है वो आ चुका है। सो कंप्लीट वीडियो को देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंड्रॉइड 14 अपडेट के अंदर और सैमसंग के वन यूआई 6.0 अपडेट के अंदर कौन कौन से आप लोगों को नए फीचर्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और वीडियो अगर आपको ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना ताकि आपके डिवाइस के लिए जैसे कोई नया अपडेट आएगा तो वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अपडेट के बारे में जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर स्मूथ है। इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में बिल्कुल भी कोई यहाँ पर लेग है वो नजर नहीं आ रहा है। वैसे सैमसंग की तरफ से बीटा 9 अपडेट तक यहाँ पर जितने भी जो बग्स है वो सोल्व यहाँ पर कर दिए गए थे। फर्स्ट चेंज है वो आपको मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर। हाफ कंट्रोल सेंटर है वो आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का नजर आएगा और बैकग्राउंड ब्लर है वो आप लोग देख सकते हो, दिखने में काफी यहाँ पर अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पर फुल वाला जो कंट्रोल सेंटर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रहा होगा। तो सैमसंग की ओर से इस कंप्लीट कंट्रोल सेंटर को यहाँ पर रीडिजाइन यहाँ पर किया गया है। ऊपर की तरफ आप लोगों को दो टॉगल्स हैं वो मिल जाते हैं जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ के हैं जो कि दिखने में काफी यहाँ पर सही लग रहे हैं। और ऊपर की तरफ आप लोगों को सेटिंग का आइकन, फोन को पावर ऑफ या फिर ऑन करने का ऑप्शन और ये एडिट करने का ऑप्शन है तो इसकी मदद से आप लोग अपना जो कंट्रोल सेंटर है उसको फुल्ली यहाँ पर एडिट कर पाओगे। अगर आपको हाफ कंट्रोल सेंटर को एडिट करना है तो 6 आप लोग ये वाले ऑप्शन है वो अपने हिसाब से यहाँ पर सेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी जो फुल वाला कंट्रोल सेंटर है उसको भी आप लोग यहाँ से सेट कर पाओगे। बाकी नीचे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि क्विक सेटिंग, इंस्टेंट एक्सेस, तो ये आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हो। नीचे आपको इस टाइप का ये बॉक्सी डिजाइन के अंदर कंट्रोल सेंटर मिल जाता है और राइट साइड के अंदर अगर आप लोग स्वाइप करोगे तो बाकी के जितने भी जो ऑप्शन है उनको यहाँ पर यूज कर पाओगे। सबसे अच्छी चीज है वो मुझे इस कंट्रोल सेंटर की यहाँ पर ये लगी है कि ब्राइटनेस स्लाइडर है ना वो तो वैसे भी काफी स्मूथ है लेकिन इसी के साथ साथ सैमसंग ने यहाँ पर आई कम्फर्ट शील्ड और डार्क मोड का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर दे दिया है तो हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि डार्क मोड कहाँ पे जब भी हम लोगों को यहाँ पर ऑन करना रहेगा तो यही सेम आपको ऑप्शन है वो यहीं पे मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आप लोगों को स्मार्ट व्यू और डिवाइस कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है तो ये भी वैसे काफी हेल्पफुल यहाँ पर सैमसंग की तरफ से फीचर्स को यहाँ पर ऐड किया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो ये सैमसंग का कोई फीचर नहीं है, ये जो आपको बैकग्राउंड के अंदर व्हाइट कलर का एक टॉगल है वो नजर आ रहा होगा, इसको मैंने खुद अपने डिवाइस के लिए कस्टमाइज किया है। तो अगर आप लोग चाहते हो आप लोग भी अपने डिवाइस के लिए एप्पल iOS 17 अपडेट की तरह कुछ इस तरीके का iOS का डॉक है वो यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हो अपने डिवाइस के अंदर तो बता सकते हो, वीडियो आपको यहाँ पर काफी जल्दी देखने को मिलेगी। और अगर आपको ये वाला वॉलपेपर iOS 17 अपडेट का पसंद आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर शेयर कर दिया है हमारे सहेज वॉलपेपर के टेलीग्राम चैनल के अंदर तो इसके अंदर आप लोग यहाँ पर आके इस वॉलपेपर को इजिली यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड चेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सेटिंग एप्लीकेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर सैमसंग की तरफ से रीडिजाइन यहाँ पर किया गया है, कुछ नए ऑप्शंस हैं उनको भी यहां पर ऐड किया गया है जैसे कि बैटरी का ये वाला ऑप्शन है वो अभी के टाइम पे अलग से यहां पर ऐड हुआ है, पहले आपको यही सेम फीचर डिवाइस केयर और बैटरी के साथ में यहाँ पर मिलता था। हालांकि आप लोग डिवाइस केयर के अंदर बैटरी को अभी भी यहाँ पर यूज कर पाओगे जो कि यहाँ पर कुछ इस टाइप की नजर आती है लेकिन हम लोगों को बैटरी को यूज करना है तो अलग से ऑप्शन मिल चुका है इसी से यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसका जो लेआउट है वो सैमसंग की तरफ से चेंज कर दिया गया है। प्रोटेक्ट बैटरी का जो ऑप्शन है वो अब बाहर आ चुका है तो हम लोगों को डायरेक्ट अगर इसको ऑन ऑफ करना रहेगा ना जब भी मान लो ट्रेवलिंग का टाइम हो 100% हमारे फोन को बैटरी करनी है तो इसको डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं तो ये एक काफी अच्छी बात है। बाकी पावर सेविंग मोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है, इसका कोई लेआउट है वो चेंज नहीं हुआ है। बैटरी का ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से रीडिजाइन यहाँ पर किया गया है तो यार मुझे तो दिखने में यहाँ पर ये वाला लेआउट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर सही लग रहा है। बाकी नीचे आप लोग ये देख पाओगे कौन सी एप्लीकेशन है बैटरी है उसको सबसे ज्यादा ड्रेन किया है और जो सैमसंग ने यहाँ पर डिजाइन है ना वो सेट करी है वो दिखने में एकदम लाजवाब है। आइकन एकदम छोटा सा है, टेक्स्ट चेंज हो चुके हैं, बाकी ये जो बैटरी परसेंटेज है इनका जो लेआउट है वो भी थोड़ा स्मॉल हो चुका है तो दिखने में काफी अच्छा है तो आप लोग इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा डिवाइस केयर के अंदर।
तो इसका यहाँ पर जो लेआउट है वो सैमसंग की ओर से चेंज किया गया है। ये जो इमोजी है वो यहाँ पर चेंज हो चुकी है, और जब भी आप लोग इसको ऑप्टिमाइज नाउ करोगे ना तो इसकी एनिमेशन तो वही पुरानी सेम है, लेकिन आप लोग देख सकते हो ये आपको कंप्लीट इमोजी की एनिमेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट चेंज है वो आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ इस टाइप का, ये जो जितने भी जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर सैमसंग की तरफ से चेंज हो चुके हैं। एक बार आप लोग गौर से देखिए और इनको यहाँ पर आप लोग कंपेयर कर सकते हो वन यूआई 5.1 अपडेट के साथ में, जहाँ पर आपको जितने भी ये जो टेक्स्ट है वो नजर आ रहे हैं ना, ये सभी आप लोगों को चेंज देखने को मिलते हैं। इनकी साइज है वो हल्की सी यहाँ पर स्मॉल सैमसंग की तरफ से यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट चेंज है वो आपको देखने को मिलेगा जैसे आप लोग अपने वॉलपेपर पे क्लिक करके रखोगे, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको लॉक स्क्रीन के अंदर ये जो क्लॉक नज़र आती है ना, पहले आप लोग इसकी जो साइज़ है वही यहाँ पर छोटी या फिर बड़ी कर पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप लोग इसकी जो पोजीशन है वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी एक हेल्पफुल फीचर है जो कि वन यूआई 6.0 अपडेट के अंदर ऐड किया गया है, और इनकी भी जो नंबर है वो थोड़ी यहाँ पर इंक्रीज हो चुकी है। पहले मेरे हिसाब से ओनली 5 से 7 आप लोगों को ये वाले फ़ॉन्ट्स मिलते थे, लेकिन अब ये सैमसंग की तरफ से यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए हैं। तो ये रहा इनका कंप्लीट लेआउट जो कि आप लोग भी यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। बाकी मुझे ऐसा कोई बड़ा चेंज है वो यहाँ पर लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, बाकी आपको यहाँ पर सारा कुछ सेम ही देखने को मिलता है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये डाउट है तो डाउट के बारे में बाद में आते हैं, लेकिन गाइस आप लोग ये देख सकते हो ये जो एनिमेशन है ना, ऐसे ऑप्शंस हैं वो आपको वन यूआई 6.0 अपडेट के अंदर बहुत सारी जगह पे मिलेंगे। तो ये इनकी एनिमेशन है वो चेंज हो चुकी है, प्लस इनका लेआउट है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। काफ़ी लोगों के यहाँ पर ये डाउट होंगे कि जो कॉल बैकग्राउंड है वो यहाँ पर नए ऐड किए गए हैं या फिर नहीं, तो एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर नहीं किए गए हैं, बीटा अपडेट के अंदर तो नहीं थे, हो सकता है ऑफिशियल तो नहीं, ऑफिशियल अपडेट के अंदर भी नहीं ऐड किए गए हैं। ओनली ये सैमसंग की ओर से मेरे हिसाब से वन यूआई 3.0 अपडेट के अंदर ये वाला नया फीचर है वो ऐड हुआ था, जो कि अभी तक वही चलता आ रहा है। इसके अंदर कोई भी सैमसंग की ओर से चेंजेस हैं वो यहाँ पर नहीं हुए हैं। एक चेंज है वो आपको नजर आएगा म्यूजिक प्लेयर के अंदर, जैसे कि यहाँ पर कोई भी एक रेंडम सॉन्ग है उसको मैं यहाँ पर प्ले करूंगा और उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो गाइज ये आपको कुछ इस टाइप का सैमसंग का म्यूजिक प्लेयर है वो मिलेगा। मान लो सॉन्ग को हमने यहाँ तक प्ले कर लिया है तो पीछे के जितनी भी ये जो लाइन है ना वो कुछ इस टाइप की वेव डिज़ाइन के अंदर मिलेगी, जो कि दिखने में यहाँ पर काफ़ी सही लगती है। इस चीज़ को आप लोग अपनी लॉक स्क्रीन के अंदर भी यहाँ पर चेक कर पाओगे, तो ये कुछ इस तरीके की वेव डिज़ाइन है वो सैमसंग की ओर से वन यूआई 6.0 अपडेट के अंदर ऐड की गई है। कैमरा का भी यहाँ पर नया यूआई है वो आ चुका है, जैसे कि हम लोग सैमसंग की ये वाली कैमरा एप्लीकेशन है इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल मोड, टेलीफोटो लेंस के अंदर अगर आप लोग स्विच करोगे ना तो ये जो कंप्लीट आप लोगों को लेआउट है वो नज़र आ रहा है ना, वो सैमसंग की ओर से चेंज किया गया है। अगर आप लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्लाइड करोगे, ऑप्शंस को यहाँ पर ऐड कर पाओगे, जैसे कि वीडियो के अंदर मैं जैसे ही आ जाता हूँ मुझे यहाँ पर रेजुलेशन है वो सेट करना है, तो साइज और फ्रेम ड्रॉप जैसे कि FPS है उनके भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। सो डायरेक्टली आप लोग ये चीज़ है ना वो चूज कर पाओगे कि आपको 8K के अंदर वीडियो को शूट करनी है या फिर अल्ट्रा वाइड के अंदर या फिर फुल HD के अंदर, और 60 FPS या फिर 30 FPS के अंदर भी आपको यहाँ पर सेट करने का ऑप्शन है वो मिल जाता है। बाकी जैसे आप लोग फोटो वाले ऑप्शन के अंदर को ओपन करोगे, सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पर जो वॉटरमार्क का ऑप्शन है वो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ये जो मैंने आपको बताया था ना, काफ़ी जगह आप लोगों को ये वाले ऑप्शंस मिलेंगे, तो ये भी सैमसंग की ओर से यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एडवांस हो चुका है। यहाँ पर आप लोग अपने टेक्स्ट को कोई भी वॉटरमार्क लगाना है तो सेंटर के अंदर, लेफ्ट राइट, बाकी ऊपर नीचे कहीं पे भी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो पहले भी थे, लेकिन डेट है उसको आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर पाओगे। बाकी टाइम का जो ऑप्शन है वो भी आपको मिल जाता है कि टाइम शो करवाना है या फिर नहीं, डेट शो करवानी है या फिर नहीं, और कस्टम आपको कोई भी टेक्स्ट है वो लिखना है वो करवाना है या फिर नहीं। तो जैसे आप लोग इस वॉटरमार्क को ओपन करोगे और किसी भी फोटो को यहाँ पर क्लिक करोगे तो इस टाइप का आप लोगों को वॉटरमार्क है वो मिलेगा।
टाइम के साथ में और यहाँ पर डेट के साथ में और ईयर का तो ऑप्शन पहले से था, तो ये सैमसंग की ओर से एक काफी बड़ा चेंज है वो यहाँ पर हुआ है। बाकी नेक्स्ट चेंज है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा सिक्योर फोल्डर के अंदर। सिक्योर फोल्डर को हम लोग कैसे भी यहाँ पर ओपन करेंगे तो इसका जो लेआउट है वो यहाँ पर सैमसंग की ओर से चेंज हो चुका है। पहले कुछ इस टाइप का नज़र आता था ना, लेकिन अब इसको कम्प्लीटली यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो वैसे कोई चीज़ है तो नहीं हाइड करने लायक, लेकिन फिर भी स्टिल अगर आप लोग इसको यूज़ करते हो तो इस टाइप का आप लोगों को कम्प्लीट लेआउट है वो यहाँ पर मिल जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया जो कि है शेयरिंग मेन्यू। अगर आप लोग किसी भी फोटो को यहाँ पर चूज़ करोगे और उसको शेयर करोगे ना, तो आपको कुछ इस टाइप का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। इसका जो कंप्लीट लेआउट है वो सैमसंग की ओर से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का चेंज यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही में नए इमोजी है ना, उनको भी यहाँ पर ऐड किया गया है। जैसे कि एक बार हम लोग टेलीग्राम को ओपन करते हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। वन यूआई 6.0 अपडेट की रिगार्डिंग जितनी भी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको सारी यहीं पे देखने को मिल जाएगी। इमोजी को एक बार टेस्ट करते हैं तो गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे वन यूआई 6.0 की जो इमोजी है वो चेंज हो चुकी है। तो अगर आप लोग डायरेक्टली बीटा अपडेट से आए हो तो आप लोगों को इतना कुछ चेंजेस है वो नोटिस नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग वन यूआई 5.1 अपडेट से डायरेक्ट वन यूआई 6.0 अपडेट को इंस्टॉल करोगे तो ये जो इमोजी का लेआउट है वो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो मुझे तो यहाँ पर ये जितने भी जो इमोजीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये पसंद आई है। बाकी जैसे आप लोग होम स्क्रीन पर क्लिक करके रखोगे, विजेट्स के अंदर जाओगे तो ये कुछ नए विजेट्स हैं वो सैमसंग की तरफ से यहाँ पर ऐड किए गए हैं। आई थिंक क्रोम का भी एक नया विजेट है वो यहाँ पर आया होगा, तो या तो क्रोम का या फिर जो हमारी गूगल की APK है उसका आप लोगों को नया वाला लेआउट है वो देख सकता है, तो एक बार आप लोग ज़रूर से चेकआउट कर लेना। हाँ, तो ये वाला एक नया विजेट है वो भी यहाँ पर गूगल की तरफ से ऐड हो चुका है। इसको मैं थोड़े दिन पहले तक तो यूज़ कर रहा था बीटा अपडेट के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पर रिमूव किया है, तो यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। राइट साइड में आपको वेदर शो होगा और लेफ्ट साइड में आपकी जो डेट और टाइम है वो आपको यहाँ पर शो होगा। बाकी डेट और टाइम से हमें यहाँ पर याद आया है आई लव अक्टूबर का, ये कुछ इस टाइप का विजेट है वो आप लोग भी अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे विथ KWGT फ्री वर्जन के साथ में, और इसके अंदर भी जो एनिमेशन है वो यहाँ पर ऐड कर दी गई है। तो इसको अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो ना तो सिंपली यूट्यूब को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना क्लॉक विजेट सहेज सेन। जैसे आप लोग ये चार टेक्स्ट लिखोगे आपके सामने मेरी ये वाली वीडियो आ जाएगी जिसपे 35,000 व्यू है, तो इस वीडियो को वॉच कर लेना। इस वीडियो को वॉच करने के बाद में आप लोग ये जान सकते हो कि कैसे आप लोग 3 मिनट के अंदर ये वाला जो क्लॉक विजेट है और इसकी तरह ही आप लोगों को 1000+ और विजेट के जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर शो करवाऊँ तो ये कुछ इस टाइप के आपको कंप्लीट विजेट्स है ना वो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ज़रूर से आप लोग इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बाकी सैमसंग की ओर से मैंने ये वाला एक होम स्क्रीन लेआउट है वो अप्लाई किया हुआ है, तो आपको मेरी ये होम स्क्रीन का सेटअप है वो कैसा लगा बताना एक बार ज़रूर से कमेंट के अंदर। अभी भी बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो कि आप लोगों को बताना बाकी हैं, तो यार ये तो वीडियो वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो आप लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हो, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना और टेलीग्राम को भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।